कांग्रेस एक लंबे समय से हर मौत को व्यापम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। मौत कोई भी हो, दुखद होती है, पीड़ादायी होती है, और सरकार की पूरी सहानुभूति सद्भावना उनके साथ है। शासन को अपने स्तर पर जो भी करना है, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी स्वयं पहल करके हर क्षेत्र में कर ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बेवजह भ्रम का वातावरण और भ्रम के माध्यम से भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय मैं मानता हूं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। श्री अरुण शर्मा जी जो पिछले महीने ही हमारे डीन पर जबलपुर में पदस्थापना हुई थी, उनकी दिल्ली में मृत्यु हुई है। वो एक अच्छे डॉक्टर थे, स्वभाव से भी अच्छे थे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, पूरी जानकारी के साथ में, पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, कि इनका व्यापम से कोई लेना देना नहीं था। न तो वो एक्यूज थे, न वो गवाह थे, न उन्हें कोई 400 जांचें दी गई, न 200 जांचें दी गई, न व्यापम से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता उस केस से, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जोड़ने की कोशिश की गई। आज सुबह हमारी बिटिया अनामिका कुशवाहा, उसका जब मामला आया तो उसको भी सुबह से कांग्रेस के लोगों के द्वारा व्यापम से जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि उसके फादर ने बातचीत के दरमियान स्पष्ट कहा कि उनका पारिवारिक कलह था, पारिवारिक जो उनका विवाद होता है उसके कारण से वो परेशान थी। और अभी ऐसा उसका सोसाइटल लोड भी कोई नहीं मिला है जिसके आधार पर, और ये मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि इसका भी व्यापम से, न तो ये मुजरिम थी, न गवाह थी, न एक्यूज थी, कुछ नहीं था इसका व्यापम से लेना देना, लेकिन उसके बावजूद भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग भी कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे मामले में इतने सारे लोगों के, किसी के परिवार वालों ने कहीं सीबीआई जांच की मांग नहीं की। हर व्यक्ति को एसआईटी पर भरोसा है, एसटीएफ पर भरोसा है, उच्च न्यायालय पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। अगर नहीं है किसी को तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस।